12 तारीख का ऑर्डर एक बार टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएं, फुल फ्रेम में दिखाएं। दरअसल तारीखों को लेकर बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर थाना प्रभारी मोकामा की ओर से ये जो राहत दी गई है, ये जो आदेश निकला है, अग्रिम जमानत आवेदन संख्या आपको दिखा रहे हैं पूरा डिटेल। इसको लेकर बीजेपी ने सवाल पूछे हैं कि एक तरफ जब बीजेपी का साथ छोड़ा जाता है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं, और फिर 12 तारीख को इस तरह का ऑर्डर 1 तारीख तक की राहत का कैसे आ सकता है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तारीखों का भी बहुत महत्व होता है, और ये संयोग है या फिर प्रयोग, इसका फैसला वहां की जनता करे। लेकिन एक एक करके आखिरी में सबका कॉमेंट लेते हुए अभिषेक झा जी, क्या ये माना जाए कि अगले कुछ घंटों में कम से कम नैतिकता दिखाते हुए नीतीश कुमार का अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, चूंकि मैंने नाम भी बता दिया कि इन किन का उन्होंने इस्तीफा लिया था, क्या माना जा सकता है कि कानून मंत्री का इस्तीफा वो ले लेंगे, और पप्पू यादव जी भी कह रहे हैं कि ले लेना चाहिए। अभिषेक झा जी, नीतीश कुमार जी सोच समझ कर सही फैसला लेने के लिए ही जाने जाते हैं, और आप आश्वस्त रहिए चित्रा जी, सारा मामला संज्ञान में आया है। नीतीश कुमार जी ने कभी भी क्राइम के साथ, करप्शन के साथ समझौता नहीं किया है, और नजीर भी पेश की है। आपने खुद ही इतने मंत्रियों का नाम लिया जिन लोगों को आपने पद को छोड़ना पड़ा, क्यों नहीं बोलते रहे आप लोग इस्तीफा देने के लिए, बोल दीजिए। आने वाले समय में सही फैसला होगा सरकार को या नीतीश कुमार जी को। अकबरुल इस्लाम साहब, सही फैसले के लिए बिहार की जनता को कितना इंतजार करना होगा? हम तो धन्यवाद देंगे देश के चैनल को, खास के आज तक चैनल को, जिसे यह भरोसा है कि बिहार सरकार नैतिकता के बल पर किसी भी आपराधिक के मामले में कोई कार्रवाई कर सकती है। वरना एडीआर का रिपोर्ट तो यह बताता है कि केंद्र की मोदी सरकार में 42% लोग हैं और 24 ऐसे मंत्री हैं जिनपे गंभीर आरोप है मोदी सरकार में, लेकिन आप सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि मोदी सरकार में नैतिकता नहीं है, वह किसी से इस्तीफा नहीं दिलवा सकती। बिहार सरकार एक ऐसी है, नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार ऐसी है जिसने पूर्व में भी इस्तीफा दिलवाया है जिसके ऊपर इतने अपहरण के गंभीर आरोप हैं। इधर उधर की बात मत कीजिए, एंकर ही सारे सवाल पूछेगा तो नेताजी लोग क्या करेंगे। हम यह बता रहे हैं भले केंद्र की सरकार अपने 33 मंत्रियों पर कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन बिहार में कोई भी गंभीर मामला सामने में आएगा तो ना ही नीतीश कुमार जी ना ही तेजस्वी यादव जी बर्दाश्त करेंगे। कानून मंत्री जाएंगे और सभी मामले की समीक्षा कर रहे हैं। उचित समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी, मतलब कार्रवाई हो जाएगी समय पे, उचित कार्रवाई की जाएगी। कम से कम आपने ये तो मान लिया कि गंभीर आरोप हो, क्या भरोसा दे रहे हैं, कह रहे हैं उचित समय पर उचित कार्रवाई कर ली जाएगी। संजीव चौरसिया जी, कोई उचित कारवार के संज्ञान में कहीं कहीं दिखता नहीं है, पर जो बार बार नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता ये भी जानते हैं कि किस चेहरे पर नैतिकता का बहुमत लेते हैं और किस चेहरे पर नैतिकता के जाकर सत्ता बनाने का काम करते हैं। सब देख रही है दुनिया कि सत्ता के लोभ में आप कुछ भी कर सकते हैं, और जिन नैतिकता और आधार पर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छता के आधार पर, हरदम विकास के आयाम पर और सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत का निर्माण किया है, वैसे ही बिहार के निर्माण में क्लोजिंग कमेंट क्या उम्मीद की जाए, इस्तीफा हो जाएगा मंत्री महोदय का? चक्कर में पड़ी हुई है, अरे ताड़ के पेड़ पे चढ़ना है या आम के पेड़ की चिंता कौन करे, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, होते रहेगा, इस पे कोई ध्यान दे मत दीजिए।